कभी कभी शुभा होती है होटल के अंदर, किसी ढाबे के अंदर, और कभी कभी टेंट के बाहर निकलते ऐसी बहती हुई छोटी सी नदी में मुंह धोते हुए। एनीवेज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। अरे अरे, मॉर्निंग फ्रॉम खलसर। तो रात को हम लोग जैसे तैसे उतर के आ गए और होम स्टे ढूंढ रहे थे, नहीं मिला तो तुरतुक तो हमें जाना ही था। तो बीच रास्ते में हमें हुंडर से पहले एक एक कैंप साइट दिखा, प्राइवेट कैंप साइट है तो अच्छा स्पेस था। यहाँ पे हमने सोचा कि टेंट लगा लेते हैं, तो हमने कुछ पे किया अपना टेंट लगाने का। लेकिन जब हम लोग टेंट सेटअप कर रहे थे, आ जाओ, अरे पानी मिलावट कर दी। पानी इसलिए मिलाना पड़ गया कि खत्म हो गया था। देखो, हम इंडियंस को कहीं ना कहीं पानी मिलाना ही पड़ जाता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे रुके और भैया ने बोला कि जब आप अपना टेंट लगा रहे हो तो क्या करोगे, हमारा टेंट लगा हुआ है, आप इसी में सो जाओ, फिर आपको दोबारा से पैकअप करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने अपना बेसिक जो सामान है, टेंट बैग और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, वो हमने अपना टेंट में लगाया और सो गए आराम से। और अब सुबह सुबह उठे इन वादियों के अंदर, जबरदस्त फीलिंग है भाई साहब, जबरदस्त। अगर बाई चांस अगर आप आ रहे हो खारदुंगला टॉप से तुरतुक की तरफ और आपको कोई भी होम स्टे वगैरह नहीं मिलता है, तो खलसर में ये आपका आर्मी कैंट के बाद एक प्राइवेट कैंप साइट है, आप यहाँ के रुक सकते हैं। ये राफ्टिंग पॉइंट है, हाँ। यहाँ पे राफ्टिंग वगैरह, गेमिंग वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इनके टेंट्स वगैरह भी लगे हैं। आप अगर आपके पास खुद का टेंट नहीं है तो इनके टेंट में सो जाओ, अगर आपके पास खुद का टेंट है तो वो 200 रुपीज़ चार्ज करते हैं पर टेंट, आप अपने टेंट में सो सकते हैं। ऑलराइट, तो सारा सामान सेट हो गया है, हर्षित का भी सेट हो गया है और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, विच इज़ कॉल्ड बाय तुरतुक। तो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है तुरतुक, जो लास्ट विलेज कहलाता है। या श्योर, यू लुक सो, थैंक यू, फैंटास्टिक, आई कैन नॉट टेल यू। बाइक के ऊपर लो ना आप, बाइक के ऊपर लो। अरे लो ना, अच्छा लगेगा। तो निम्बस अभी थोड़ी नाराज हो गई है, हमने क्या किया, इस पे फोन चार्जिंग पे लगा दिया, बैटरी चार्जिंग पे लगा दी और हमने स्टार्ट नहीं किया और इसकी बैटरी हो गई डाउन। रेडी? तो ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती है, हमने फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया, गोप्रो की बैटरी चार्जिंग पे लगा दी और इसको स्टार्ट करना भूल गए, तो इसका हो गया काम ख़राब। तो इन वादियों के बीच में अपने फैमिली के मेंबर कैसे हो? बढ़िया। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग निकले थे खलसर से, वहाँ से हमें पड़ा नुब्रा वैली पे पेट्रोल पंप, तो रिफ़िल करा लिया है। एक्स्ट्रा हमने पेट्रोल ले लिया है 2-2 लीटर, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना है, एक सपोर्ट रहेगा। देन उसका जब हम कल रिटर्न आएंगे तो यहाँ से रिफ़िल कराएंगे और उसके बाद देखते हैं कितना हमें एक्स्ट्रा पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर था 107 रुपये लीटर पेट्रोल और
आप देखते हैं कितना खर्च करते हैं, कितना पेट्रोल हम लोग फूकते हैं। वैसे गर्मी बहुत है, पसीने आ गए यार, पसीने आ गए, फटाफट बाइक पे बैठते फिर चलते हैं हवा लगा। ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है यहाँ पे राइड करने में भाई साहब, कितनी ओपन वैली है और इतने ह्यूज माउंटेन है, ज़बरदस्त। बड़े बड़े पत्थर गए ऊपर, फ्लाइट होके आए होंगे पक्का। हाँ इतने बड़े पत्थर, लेकिन रोड थोड़ा सा है। हाँ ज़बरदस्त व्यू है भाई, चारों तरफ ज़बरदस्त व्यू है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। सामने देखो कितना ह्यूज माउंटेन लग रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड, खुली वैली, खुला आसमान, यहाँ गए कहाँ भाई, क्या चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ पहाड़ी पहाड़, जबरदस्त वाइब्स है, क्या मस्त लग रहे हैं भाई। ओए होए बादल इम्पॉर्टेंट है। ये आपका वो स्ट्रोम है ना, यही स्ट्रोम दिखाता ना वहाँ पे भी, यहाँ पे तो बहुत स्लोली घूम रहा है भाई, ये तो बहुत धीरे घूम रहा भाई, ये तो सही में कह रहा हूँ, आप तो घुस गए थे ना एक के अंदर। हाँ जबरदस्त वहाँ बन रहा है ऊपर, तो हम लोग जैसे ही तुरतुक की तरफ बढ़े हैं तो यहाँ पे वैली बिल्कुल चेंज हो गई है, ये वाले माउंटेन्स देखो किस तरीके से बने हुए हैं, और आगे है ऑफ रोड तगड़ा वाला, आराम से मेरे भाई आराम से, सैडलिंग ही करनी पड़ेगी ऐसे रोड पे। ओहो जबरदस्त जबरदस्त व्यू आ रहा है, क्या हो गया, काफी देर हो गई, रुको रुको भाई साहब, इनको देना पड़ेगा हफ्ता, नो प्रॉब्लम, चलो वहाँ दे रहे, चलो वो दे निकाल रहे हैं मेरे साथ है, चलो मैं दूंगा सबको, नहीं नहीं मैं सबको बराबर बराबर दूंगा, लाइन लगाओ पहले, वरना फिर तुम एक दूसरे को धक्का मारोगे, सबको मिलेगा, लो आओ हैंड करो। तुम्हारी शैतानी जाएगी नहीं है, हैं? तुमने तो हमें पहले ही लूट लिया, हम उन बच्चों को क्या देंगे भाई साहब, बिल्कुल रोड पे आके रोक दिया, रुक जाओ, चलो बाय बाय, चलो बाय। बाय चलो बाय आओ, चलो भैया इन्होंने तो हमसे हफ्ता वसूल लिया, चलो बाय। भाई साहब बड़े खतरनाक बच्चे थे ऐसे इतने ऐसे वसूली तो वसूली भाई ने भी नहीं की होगी गोलमाल में भाई, बीच रोड पे आके रुक जा चॉकलेट दे के जाओ, है और नहीं होती हमारे पास तो हमारी बैंड बज जाती बड़े शैतान बच्चे थे भाई। तो लगभग हम लोग पहुंच गए, तुरतुक स्टार्ट हो गया है, और एक चीज और, वेदर में क्या बताऊं आपको,
बिल्कुल नॉर्मल है, ठंडा है ही नहीं बिल्कुल भी। गुड इवनिंग फ्रॉम त्याक्षी। तो हम लोग त्याक्षी विलेज में पहुंच गए हैं, जो बॉर्डर से पहले गांव पड़ता है, मतलब सेकंड लास्ट विलेज है ये इंडिया का। एंड यू नो, आपको तो पता ही चल गया होगा आज हमने कैंपिंग कहाँ की हुई है। फिलहाल फेस की पूरी बैंड बज गई है इस वाले ट्रिप के ऊपर, और काफ़ी क्रीम लगा रहे हैं, कोई असर नहीं कर रही है, फेस अच्छे से ख़राब हो चुका है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार अच्छे से कि हम लोगों ने कहाँ कैंपिंग किया। भाई कहाँ है, जाग रहे हो? जाग रहे हैं, जाग रहे हैं। देख रहे हो हमने कहाँ की है? पुलिस स्टेशन के अंदर आज हमने कैंपिंग कर लिया है। ये पुलिस स्टेशन बना हुआ है और वहाँ पे फाटक बंद है। कल सुबह हम छूट पाएंगे? छूट जाएंगे, छूट जाएंगे, आराम से छूट जाएंगे ना, आराम से। तो भैया ये देख लो, पुलिस चेक पोस्ट त्याक्षी। अब क्या है कि हम लोग यहाँ पहुँच गए, हमने टेंट सेटअप कर लिया है। अब कैसे पहुँचा ये ना आपको सुबह बताते हैं। बहुत ज़ोरों से नींद आ रही है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। एक काम करते हैं, अभी सोते हैं, सुबह उठते हैं फिर करते हैं, क्योंकि अभी थकान हो गई है। हाँ, बॉडी जो गड्ढों में उछल कूद हो गया ना, बॉडी थक गई है पूरी। सही बात है, अभी रेस्ट चाहिए, नींद आ रही काफ़ी ज़्यादा, सोते हैं। तो एक काम करते हैं, चुटकी बजाते ही मिलते हैं आपको। 1 2 3 गो। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के लगभग बज रहे हैं 5:42, और हमारा प्लान था सुबह 5 बजे उठने का, लेकिन अभी 15 मिनट ही हुए उठे हुए। तो यहाँ पर लगाए थे हम दोनों ने अपने टेंट। ये रहा बॉर्डर जो क्रॉस करके हम लोग आगे जाएंगे, एंड चारों तरफ का माहौल कुछ ऐसा है। रात को यहाँ पर आईबैक्स घूम रहे थे, पत्थर गिर रहे थे छोटे छोटे। एंड ये रही हमारा पुलिस स्टेशन, ये छोटी सी जेल बना रखी है, और शॉप वगैरह। यहाँ का वेदर एकदम गर्म था रात के टाइम पे, आपने देखा होगा मैं हाफ टी शर्ट पहनी हुई है, लेकिन सोते सोते क्या हुआ, ठंड लगी, तो हमने अपने स्लीपिंग बैग ओपन कर लिया और उसके अंदर सो गए, तो आराम मिल गया। अदरवाइज़ एक बार तो हम सोच रहे थे कि स्लीपिंग बैग को नहीं ओपन करते हैं, अगर नहीं रखते हैं तो रात को उठ के इसे निकालना पड़ता। तो अपनी तैयारी पूरी करके सोए थे, लेकिन इसके ऊपर का रेन लाइनर लगाया नहीं था क्योंकि वेदर गर्म था, लगाते तो फिर हमें पसीने आते। तो अभी काम करते हैं, ये सारा पैकअप करते हैं, फिर उसके बाद कुकिंग करते हैं, क्योंकि यार अब समझ रहे हो कि ऑन दी रोड है, लोग आएंगे देखेंगे तो अजीब सा लगेगा। तो सबसे पहले ही सारा सामान पैकअप कर लेते हैं। सो फ्रेश वगैरह हम लोग हो गए, हमने ऑलमोस्ट सारा सामान पैक कर दिया है, बाइक के ऊपर सेट कर दिया है, बस थोड़ा बहुत सामान रह गया जो अभी लगा देंगे हम लोग। एंड इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे करेंगे कुकिंग। तो ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, तो इस व्लॉग को फिर यहीं तक रखते हैं, अगला व्लॉग यहीं से कुकिंग से स्टार्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे कुकिंग। देन यहाँ से चलेंगे आगे जो है इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, और वहाँ पर है इंडिया का लास्ट विलेज। तो जो स्टोरी है वो सब कुछ है वो हम आपको इससे अगले व्लॉग में दिखाने वाले। तो पता है ना आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है, बाकी इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके फॉलो कर सकते हो। जितने लोगों ने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना है। वॉन्डरिंग हर्षित, राइडिंग विद पीस। चलो फिर मिलते हैं अगली व्लॉग में कुछ नई इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। टिल देन गुड बाय।